हेलो गाइस, दिस इज सरबजीत और मेरे चैनल स्मॉल एंड स्ट्रांग पर फिर से आपका वेलकम है। ये वीडियो मंथली टैरो रीडिंग सीरीज की वीडियो है और आज हम रीडिंग करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। तो ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर कोई इन वीडियो से कनेक्ट कर पाए, इन वीडियो से रेजोनेट कर पाए। बट अगर आप इन वीडियो से रेजोनेट करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला साइन है एरीज। तो जो सबसे पहला साइन है वो है एरीज। तो ये एरीज की जून मंथ के लिए टैरो रीडिंग है। मैं इस डेक में से तीन कार्ड्स निकालूंगी। पहला कार्ड जून के पहले 10 दिनों के लिए होगा, दूसरा कार्ड जून के बीच के 10 दिनों के लिए होगा और तीसरा कार्ड जून के आखिरी दिनों के लिए होगा। और साथ ही मैं अपने एंजल डेक में से भी एक कार्ड पुल करूंगी ताकि एंजल एडवाइस आपको मिल सके। तो अब इस डेक को एनर्जी प्रूफ करके और इसे शफल कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर एरीज। तो एज आई एम नॉकिंग आउट द एनर्जी, आई एम नॉकिंग दिस डेक सो दैट पुरानी एनर्जी जो है वो बाहर निकल जाए। एंड नाउ आई एम शफलिंग द डेक एंड आस्किंग यूनिवर्स एंड गॉड टू हेल्प मी आउट इन इंटरप्रेटिंग द करेक्ट मैसेज फॉर एरीज, गाइडेंस फॉर एरीज फॉर मंथ ऑफ जून, गाइडेंस फॉर एरीज फॉर मंथ ऑफ June, guidance for Aries for month of June. Okay, तो मैंने तीन cards जो हैं वो pull कर लिए हैं। आपने देखे, मैं नहीं देख पाई। और bottom of the deck है page of pentacles। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई? हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहले हम बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हमारा पहला कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स हमारा दूसरा कार्ड है। मैं बहुत खुश हुई थी इस कार्ड को देखकर, तो इसलिए मैं थोड़ी देर इसको गेज करती रही। और हमारा अगला कार्ड है द एम्परर। तो एरीज आपके लिए मैसेज को चलिए डीकोड करते हैं। एंड काइंड ऑफ बैलेंसिंग ऑरा है इस रीडिंग में आपके लिए। तो जो जून मंथ के पहले जो 10 दिन रहेंगे एरीज, उसमें आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में रहेंगे। आपको अगर कुछ नया चैलेंज दिया जाता है या कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या आप पर कोई ट्रस्ट करता है या कोई नई बात आपके साथ स्टार्ट करता है, तो आप थोड़ा डिफेंसिव मोड में रहेंगे। आप पहलकदमी करने की मूड में नहीं है जून में। और साथ में ही थोड़ा सा आपको रहेगा कि मुझे नुकसान नहीं हो जाए। आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी फ्रेंडशिप्स को, अपने कॉन्टैक्ट्स को बचा कर चलेंगे। तो जून के पहले 10 दिन ये बताते हैं कि यू आर अ लिटिल स्केप्टिकल, अ लिटिल स्केर्ड अबाउट द सिचुएशन, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो एवरीबडी स्केर्ड फॉर व्हाट दे हैव, इवन लव्ड वंस, मनी, अपॉर्चुनिटीज जो भी है, वो सब सब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक घड़ी का मालूम नहीं पड़ रहा कि व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। तो इस तरीके की सिचुएशन में, इस सिचुएशन से ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है अभी। और आप थोड़ा स्केप्टिकल है, आप थोड़ा बचा के चलना चाहते हैं। आपके पास यू आर नॉट इन द मूड ऑफ शेयरिंग सो मच, और आपको थोड़ा सा एक हाइबरनेट में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि फाइन, मैंने अपना सब कलेक्ट करके जस्ट एक हाइड आउट में चला जाऊं या चली जाऊं, सो दैट मुझे कोई परेशान नहीं करे और
यू रियली वॉन्ट, शुरू के 10 दिन तो ऐसे रहेंगे दैट यू विल रियली बी वॉन्टिंग कि मुझे कोई छेड़े नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं करे, मुझे छुपना है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, तो थोड़ा सा हाइबरनेट बहुत लेस एक्टिविटी के साथ आप थोड़ा सा अपने आप को अंडर प्ले करके चलेंगे, थोड़ा सा कैसे, मैं वर्ड भूल रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा लेस एक्टिव इन फ्रंट ऑफ पीपल, लो प्रोफाइल, आई वॉज लुकिंग फॉर द वर्ड लो प्रोफाइल, तो आप लो प्रोफाइल होकर थोड़ा रहना पसंद करेंगे, आप बिलीव करेंगे कि आपकी चीज़ों को नज़र लग सकती है, आप बिलीव करेंगे कि आपसे कोई चीज़ें छीन सकता है, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा आपका जो नेचर है, लेकिन मंथ के मिड में थोड़ा सा आप ओपन अप होंगे, और बहुत ही पोटेंट इनर्जी है मंथ के मिड में, आप जितना आप छुप रहे थे आप थक जाएंगे उस चीज से, यू विल बी वॉन्टिंग टू बी फ्री, आप अपने ट्रू नेचर में आना चाहेंगे, आप उड़ना चाहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं इट्स इनफ, इट्स डन, बहुत हो चुका, और आप अपने अबंडेंस के रिसोर्सेस खोलेंगे, सामने रखेंगे सब चीज़ें, आप छुपा छुपा कर आप थक चुके होंगे और आपको लगेगा कि नहीं दिस इज टाइम कि मुझे जीना है, ये माहौल तो पता नहीं कब तक रहेगा, तो मंथ के मिड में एक जीने की इच्छा जो है वो फूटेगी आपके अंदर, और लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि मंथ के एंड में, एंड के दिनों में, ये जो मंथ के मिड में जो आपके अंदर इच्छा फूटेगी इसको बहुत ज़्यादा आप प्रयोग में ना लाएं, थोड़ा सा आप लो प्रोफाइल ही रहें, मेरा मानना ये है, क्योंकि अभी वक्त इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इतना ज़्यादा एनर्जी से आप भरते हैं तो उसको एक पॉजिटिव वे में लगाएं, ना कि शो ऑफ नहीं करें, इफ़ यू हैव मनी डोंट शो ऑफ दिस टू अदर पीपल हु आर इन सफरिंग, क्योंकि आप दिखाना ना भी चाहें पर जाने अनजाने आपकी चीज़ें देखकर लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो किसी का दिल दुख सकता है और ये एनर्जी आपको परेशान कर सकती है, तो इवन अगर आप, इवन इफ़ यू फील लाइक येस आई एम डन विद दिस हाइडिंग, अब मुझे उड़ना है, थोड़ा सा इधर उधर छोटा मोटा कहीं घूम आए, बट उससे ज़्यादा मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा शो बाजी ना करें अभी, और मंथ के लास्ट के जो दिन हैं वो आपको आपके अंदर बहुत ठहराव लेकर आएंगे, आप एक डिसीजन लेने की पोजीशन में आ जाएंगे किसी चीज़ को लेकर, आप बहुत ही विजडम के साथ जो भी है स्टेप वो उठाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपको अपने डिसीजंस में इंक्लूड करना चाहेंगे, आपकी सिचुएशन बहुत ही एक वाइज पर्सन की हो जाएगी मंथ के एंड में, कुछ इस तरीके के सर्कमस्टांसेस होंगे। मैं इस कार्ड को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ हायरोफेंट को, और ये बॉटम ऑफ द डेक जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको मैं अभी अलग रख रही हूँ इस कार्ड को निकाल कर, बट पहले मैं हायरोफेंट को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्लैरिफिकेशन ऑफ हायरोफेंट, ओके आई थिंक नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन, तो एक चेंज, आई एम फीलिंग लाइक देर इज अ न्यू बिगिनिंग, अ गुड न्यूज फॉर यू, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, तो लोग ऐसे ही नहीं आपको पूछेंगे, कुछ आपका कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ हिडन चीज़ है जो आप बहुत टाइम से, जैसे आप लोगों को हिंट दे रहे थे कि मेरा ये काम हो लेने दो फिर देखना, मेरा वो ले हो लेने दो फिर देखना, तो इट्स लाइक दैट, और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ जो है आप चूज़ करेंगे, आप एक रास्ता चूज़ करेंगे कि ओके फाइन मैं इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ या पड़ी हूँ, एंड नोबडी कैन स्टॉप मी, आप बहुत क्लैरिफाइड होकर, बहुत क्लैरिटी के साथ, आपका दिमाग बहुत क्लैरिटी के साथ उस रास्ते पे चलेगा, नोबडी कैन स्टॉप यू, आई थिंक यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर, क्योंकि जो मनी का जो सिचुएशन मैं मंथ के मिड में आपके लिए देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एंड द कार्ड सन ऑल्सो इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, तो मुझे लग रहा है आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, मे बी यू विल वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ और अ न्यू बिजनेस, तो ये अच्छा कार्ड है न्यू बिजनेस के लिए, एक गुड लक कार्ड है, द सन इज अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड इन टैरो डेक, नई शुरुआत के लिए हमेशा जो है
ये कार्ड निकलता है। ओके, अब मैं एक अपने एंजल डेक में से भी आपके लिए कार्ड पुल करूंगी सो दैट एंजल एडवाइस आपको मिले। एडवाइस फॉर एरीज, वी द हैथोर्स, डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ एज ए पोर्टल। पोर्टल जब भी कोई नया पोर्टल खुलता है आपके लिए नए रास्ते खोलता है, और ये नए रास्ते का इंडिकेशन ये एंजल कार्ड भी आपको दे रहा है। बहुत अच्छे से सोचिए समझिए, जो ये हायरोफेंट जो कार्ड है ये विजडम का कार्ड है। बहुत अच्छे से सोचिए समझिए, जांचिए परखिए, बहुत ठहराव के साथ किसी चीज़ पे डिस्कशन कीजिए, और एक अथॉरिटेटिव पोजिशन आपको मिलेगी जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसमें। और ये इवन दिस एंजल कार्ड इज टेलिंग मी दैट आपके लिए नया पोर्टल, नए रास्ते, नया बर्थ, नई शुरुआत जो है वो साइंस हैं जून में। तो एरीज, ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। तो आगे भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हिंदी लैंग्वेज में, मिक्स लैंग्वेज में मैं टैरो रीडिंग करती हूँ हर मंथ। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय।